सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे कैरी ऑन का टाइम टेबल, जो कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों ने, डिप्लोमा के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने एग्जाम दिया और उसमें फेल हो गए थे, उनको वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिला है अगले ईयर में एडमिशन लेने के लिए, बराबर। उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन अब उसका टाइम टेबल आया है कि आपको उसमें पता चलेगा कि कब आपको अप्लाई करना है कॉलेज में जाके कैरी ऑन के लिए, कि ताकि आप अगले साल में एडमिशन ले सको, बराबर। तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो पिछला वीडियो जो है उसमें हमने रेगुलेशन डिस्कस किए थे, उस वीडियो का लिंक चाहे मैं अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाके सर्च भी कर सकते हो। तो ये सर्कुलर जो आया है मैं आपको समझा के बता देता हूँ, बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोग फेल हो चुके हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक की बात हो रही है और फार्मेसी के लिए भी है, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पुलिस सत्र वर्षीय सत्र क्रम पूर्ण करने वाले OTO रजिस्ट्रेशन वेळापत्रक, मतलब OTO के जो रजिस्टर करने वाले बच्चे उनका टाइम टेबल क्या होगा, ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो 1 सितंबर को जैसे ही ये सर्कुलर आया है आप देख सकते हो MSBT की तरफ से, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो है संस्थान ने विहित केलेल्या नमुन्यातील अर्ज व हमीपत्र विद्यार्थ्याकडून स्वीकारून संस्थेच्या लॉग इन मध्ये उपलब्ध लिंकद्वारे OTO विद्यार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन करणे। मतलब यहाँ क्या है, हमी पत्र मतलब अंडरटेकिंग स्टूडेंट से लिया जाएगा। कब से कब तक? 8 सितंबर से 12 सितंबर, बराबर। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपको ये प्रोसेस करना है कॉलेज में जाके। आप खुद भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले आपके पास आएंगे। कॉलेज में जाइए, उसका इन्फॉर्मेशन लीजिए और खुद अगर आप अगले ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कैरी ऑन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप जा सकते हो, ओके। उसके बाद विभागीय कार्यालय ने संस्थेने कन्फर्म केलेल्या OTO विद्यार्थ्यांची एकत्रित यादी। अभी ये जो है ये कॉलेज का काम है, इसमें हमारा कुछ काम नहीं है, बराबर। स्टूडेंट का क्या काम है वो हम देखते हैं, बराबर। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग, जो हमने हमें पत्र बोला था अंडरटेकिंग, वो क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पर पढ़ता हूँ मैं। उन्हाळी परीक्षा 2022 चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये पुढील सत्र वर्षाचे सत्रक्रम पूर्ण करण्यासाठी एक वेळ संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत। मतलब वही बात हो रही है यहाँ पर कि कैरी ऑन की बात हो रही है, बराबर। उसके लिए ये सर्कुलर और एक बोला है आपको, अंडरटेकिंग में स्टूडेंट को क्या क्या अंडरटेकिंग में पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट, सदर जी एक वेळ में संधि स्वेच्छेने स्वीकारता, मतलब स्टूडेंट को ये बताना है कि मैं खुद से ये कर रहा हूँ, मैं ये चांस ले रहा हूँ अगले साल में कैरी ऑन का चांस मैं खुद ले रहा हूँ, बराबर। ये आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब किसी ने कहा है इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ओके। तो दूसरी चीज़, माझा द्वितीय व तृतीय वर्षातील प्रवेश केवळ सत्रक्रम पूर्ण करण्याकरता आहे, व परीक्षा नियमानुसार मी परीक्षेस बसण्यास जेव्हा पात्र होईन तेव्हाच मला परीक्षा देता येईल। आप समझ रहे हो, अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा जो फेल हुआ है वो सेकंड ईयर में जाएगा, बराबर, और सेकंड ईयर का जो बच्चा हो फेल हुआ है वो थर्ड ईयर में जाएगा। लेकिन वो जाएगा तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो टर्म वर्क और पिछला जो भी है वो ही क्लियर करने के लिए जाएगा, बराबर। उसको जो भी साल में गया है उसका एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी तक वो एलिजिबल नहीं है। जब वो पिछला क्लियर करेगा जो जाता है उस सेमेस्टर में, तो आगे जाके वो एलिजिबल हो जाएगा एग्जाम के लिए, तभी वो एग्जाम फॉर्म भरेगा अगले ईयर के लिए, बराबर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, तीसऱ्या सत्राचे पाचव्या सत्राचे सत्रक्रम पूर्ण करण्यास मी असमर्थ ठरल्यास मला थोपविण्यात येईल। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर का जो था वो थर्ड सेमेस्टर में जाएगा और सेकंड ईयर का जो था वो फिफ्थ सेमेस्टर में जाएगा, बराबर। अगर उस सेमेस्टर का टर्म और जो भी पूरे सेमेस्टर का काम है, जो भी एग्ज़ाम होती है बीच में, यूनिट टेस्ट हो गया आपका, फाइल्स हो गया आपका, प्रैक्टिकल हो गया आपका, सबमिशन हो गया आपका, जो भी है जितना भी आपका अटेंडेंस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक से नहीं करते हो, इसमें फेल हो जाते हो, तो आपको डिटेन किया जाएगा। ऐसा बोला यहाँ पर, डिटेन मतलब आपको कॉलेज से बाहर निकल जाए, मतलब उस साल आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको एग्जाम नहीं देना है कुछ नहीं, फिर अगले साल आपको एडमिशन दिया जाएगा, ओके। तो वह चौथा व सत्रह व सहाव्या सत्रात प्रवेश दिला जाए, अगर आप डिटेन होते हो तो ऑफकोर्स यार आपको अगले सेमेस्टर में एंट्री नहीं मिलेगी। तसेच द्वितीय व तृतीय वर्षातील सत्रक्रम पूर्ण करण्यास मी असमर्थ ठरल्यास मला थोपविण्यात येईल। इसके साथ साथ
पूरे साल का, यहाँ पे सिर्फ आपको सेमेस्टर की बात हो रही है राइट, 17 मतलब सेमेस्टर, और वर्षातील म्हणजे पूरे ईयर, पूरे सेकंड और थर्ड ईयर का भी अगर आप टर्म वर्क करने से रह जाते हो, आपका कोई प्रॉब्लम होता है बराबर, जो भी है सब कुछ सबमिशन अटेंडेंस वगैरह, फिर भी आपको डिटेन किया जा सकता है बराबर। मला देण्यात आलेली संधी एक वेळ संधी होईल याची मला जाणीव आहे, मतलब ये जो चान्स है मेरा एक ही चान्स है, इसके बाद मुझे कोई चान्स नहीं मिलने वाला बराबर फिर से बैठने के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, एक वेळ संधी अंतर्गत पूर्ण केलेले सर्व विषयांचे सत्र कर्म, मतलब टर्म वर्क, जनरल, ड्रॉइंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मॉडल, ये सब जतन करण्याची जबाबदारी माझी राहील। मतलब जब आप सेमेस्टर में जाओगे बराबर, मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में गए, तो जितना भी ये टर्म वर्क, जर्नल, ड्राइंग वगैरह जो होगा उसके प्रैक्टिकल अगले सेमेस्टर होंगे, वो सब आपको ठीक से रखना है आपको उसको। अगर आपसे ये नहीं बढ़ा आपके पास, मान लीजिए आपका कोई फाइल है, कोई जर्नल है बराबर, और वो नहीं रह गया, आप बोल रहे घूम गया मेरे से, अगले सेमेस्टर में जब प्रैक्टिकल को जाओगे उस सब्जेक्ट के लिए, तो नहीं चलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको ठीक से रखना है घर पे अपने बराबर। ओके, तसेच परीक्षेकरता पात्र झाल्यानंतर ओरल प्रॅक्टिकल परीक्षेवेळी सदर सत्रक्रम सादर करण्याची जबाबदारी माझी राहील। मतलब वही तो मैंने अभी बोला आपको, जब उस सब्जेक्ट का ओरल या प्रॅक्टिकल अगले सेमेस्टर में होगा, लेकिन जर्नल वगैरह सब आपका जो इंटरनल है वो इस सेमेस्टर में होगा बराबर। मान लीजिए आप फोर्थ सेमेस्टर में गए, तब सब कुछ जर्नल होगा और उसका एग्जाम जो होगा फाइनल वो अगले सेमेस्टर में होगा, तब तक आपको वो ठीक से रखना है सारी फाइल्स, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल में बाद में दिखानी पड़ेंगी, वो जिम्मेदारी स्टूडेंट को दिया गया है। ओके, उसके बाद मी संस्थेमध्ये आवश्यक ती शिस्त पाळेन, संस्थेच्या शिस्तीला बाधा होईल असे कोणतेही वर्तन, मतलब मैं डिसिप्लिन रहूंगा कॉलेज में, ऐसा बोला है। उसके बाद 6 माझ्याकडून नियमित विद्यार्थ्यांना त्रास होईल असे कोणतेही वर्तन होणार नाही। नियमित विद्यार्थी मतलब रेग्युलर स्टूडेंट, जो पास होके फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए हैं या फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हैं, उनके साथ ही आप जाके बैठोगे बराबर। कैरी ऑन वाले बच्चे जितने भी है वो रेगुलर वालों के साथ जाके बैठेंगे, ठीक है, तो उनको कोई भी डिस्ट्रैक्शन, उनको कोई भी डिस्टर्ब मुझसे नहीं होगा, ऐसे मैं बिहेव करूंगा, ऐसा आपको लिख के देना है बराबर। जेनेकरून संस्थेच्या शिस्तीचा नियमाचा भंग होईल असे मी केल्यास माझी संधी, अगर वैसा कुछ होता है, आप डिसिप्लिन रहते हो, अभी ये कॉलेज के ऊपर है, ये डिसीजन कॉलेज को लेना है। अगर कोई स्टूडेंट उनको लगता है यार इसको अभी डिटेन करना चाहिए, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो कॉलेज उसको कर सकता है बराबर। तो ये 7 एक वेळ सात से भविष्यात माझा निकाल, मतलब जो भी रिजल्ट के प्रति जो भी आपको जो रिजल्ट लगेगा वो आपको मान्य करना होगा, मतलब वो आपको फाइनल होगा, उसमें कुछ आप फिर तकरार नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपका साइन होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, और ये सब कुछ आपको लिख के देना है कॉलेज को, और कॉलेज ही आगे इसको जाके प्रोसेस करेगा MSBT की तरफ। ओके, तो मैं आपको इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर से एक बार टाइम टेबल दिखा देता हूँ। 8-12 जो भी लोग एक साल अपना गंवाना नहीं चाहते हैं, और फिर से मैं आपको बता दूँ, पहले सेमेस्टर में अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो, तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे कैरी ऑन लेके, तो आपको पिछला क्लियर करना है, और सेकंड ईयर का सब कुछ कॉलेज करना है, अटेंडेंस ठीक से रखना है, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब, जो लैब्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है, फाइल्स वगैरह। लेकिन थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा वो साल के एंड में होगा, फोर्थ सेमेस्टर के एंड में होगा बराबर। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, पिछला क्लियर करते हो, तब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम साल के एंड में एक ही बार दोगे आप, तो सारे सब्जेक्ट एक ही बार देने, एक महीने में होगा, उस महीने में आपको बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है कैरी ऑन की। लेकिन ये सब लोड अगर आप सह लेते हो, अच्छे से करते हो, इससे बाहर निकल जाते हो, तो आपका एक साल बचेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है यार इतने सारे सब्जेक्ट कैसे निकालूं, कैसे करूं, तो वो कैरी ऑन को अप्लाई करना नहीं करना ये आपके ऊपर छोड़ा है बराबर। आप घर पे भी बैठ सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबको कैरी ऑन में अप्लाई करना ही है बराबर। आप खुद से सोचना है कैरी ऑन आपको करना है या नहीं करना है बराबर। आई होप यार हर एक पॉइंट कैरी ऑन को रिलेटेड आपको क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लियो, वीडियो को लाइक जरूर करना है तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा बराबर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं एक और जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।